हजार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारते हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। रा रा क्या हुआ बेटा, कहीं हयात को तो कुछ नहीं हुआ? हाथ नहीं लगाया मुझे। ये क्या कह रहा है तू? किसका खत है ये? अम्मी, बोलिए, चुप क्यों है? बताइए, इतने बरस जो कुछ छुपा के रखा। अम्मी तो मर गई थी, आपने कहा था। क्यों किया ये आपने? हाँ, किस लिए? और कोई चारा नहीं था मेरे बच्चे? हर शख्स यही जवाब देता है, झूठ बोलने वाला भी तो यही बहाना करता है। मेरी जान, ये झूठ मेरी खुशी नहीं, तेरी माँ की मर्जी थी। सब भोगली बातें। आप भी, हयात, अम्मी भी, सब झूठे हैं, सब के सब। मैं बहुत मजबूर थी बेटा। क्या करूं अब मैं, बताएं? कैसी चलेगी ये जिंदगी? हाँ, क्यों क्यों रिजन? तेरी खातिर क्या नहीं किया मैंने, तेरी हर खुशी के लिए। बिल्कुल, आपका फखर आपके सामने खड़ा है। माफ कर दे मुझे बेटा। हर किसने? कभी नहीं, ना आपको, ना अम्मी को और ना हयात को कभी भी माफ नहीं करूंगा, समझ गए आप? कभी भी नहीं। Yes, मैं जानती हूँ काफी देर से वेट कर रहे हैं आप, मगर हम भी कोई आम लोग नहीं, यानी जैसे रोमियो एंड जूलियट, बल्कि समझे एलिजाबेथ और डार्सी, यानी शानदार और यादगार इश्क वाले लोग हैं। शानदार इश्क, समझते हैं ना आप? 5 घंटे हो गए, कब आएंगे? अरे थोड़ा साथ देते ना हमारा इस वक्त। 5 घंटे हो गए तो क्या कंप्लेन करेंगे?
कुछ हो गया है खुदा ना खास्ता, कुछ हो गया है मुराद के साथ। हयात कितनी बार बताएं तुम्हें, सारे हॉस्पिटल्स पता कर लिया, हर जगह मालूम कर लिया, लेकिन कहीं कोई एंट्री नहीं मुराद के नाम से। तुरुक और करीम गए हैं पुलिस स्टेशन में पता करने। अब तक तो लाजमी आ चुका होता वो, मुझे कभी नहीं छोड़ सकता वो। मुझे मालूम है कुछ फील हो रहा है मुझे यहाँ, जरूर कोई सीरियस बात हो गई है उसके साथ। वो हयात या जो भी नाम है कई महीनों से फ्रॉड कर रही है हमारे साथ। तुमने अपना दिल उसके कदमों में रख दिया, रख दिया। चल जाओ, निकल जाओ। अस्मी साहिबा, मैं जा रही हूँ इतनी दूर कि किसी को नाम निशान तक ना मिले मेरा। चलिया आपको ना अम्मी को और ना हयात को कभी भी माफ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मेरे जाने के बाद मुराद को कभी मालूम ना होने दीजिएगा कि उसकी माँ इतनी जालिम थी कि अपने ख्वाबों की खातिर उसे छोड़कर चली गई। क्या हुआ, कुछ मालूम हुआ कहीं से? बिल्कुल नहीं, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है ना कोई केस। समझ ही नहीं आ रहा आखिर भाई कहाँ चले गए। चला गया आखिर, खुदा ही जाने। मेरी भोली गुड़िया, आओ चलो अंदर चले, वेडिंग ड्रेस उतार दो आप, मुंह हाथ धो लो बस। कभी नहीं, मैं इंतजार करूंगी मुराद का। और अगर वो आया ही नहीं? वो ऐसा नहीं कर सकता, आएगा। ओके। मुराद, डर गई थी मैं कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया कहीं। मुराद, ये क्या हुआ? छोड़ दो, ठीक हूं मैं। तुम मुझे धोखा देती रही कई महीनों तक, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बिल्कुल बिखर के रह गया मैं। मुराद, इस वक्त क्यों कह रहे हो ये सब? क्योंकि मैं चाहता हूं इससे पहले निकाह हो तो मैं सब याद करा दूं। क्या तुम पीछे हट रहे हो? नहीं,
ये सब होने के बावजूद तुमसे शादी करूंगा। हम इसी लम्हे के मुंतजर थे, तो आ जाओ। एक दिन माफी लेकर रहूंगी, कसम खा के कहती हूं, चाहे जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। जो कहना चाह रहे हो कह दो निजात। आपने उस लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया था मुझे? बोले जवाब दें, लैला का वो खत क्यों छुपाया मुझसे आपने आज तक? निजात, मैंने वो खत फेंक दिया था, जाया हो चुका था। क्या मतलब जाया हो चुका था? फिर वो मुराद के हाथ कैसे लग गया बताएं? मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मालूम, मगर मेरी गलती नहीं है इसमें। वैसे तो तुम खूब जानते हो इस घर में मुराद की खुशियों का दुश्मन कौन है, उसमें जरूर उसी का हाथ है। मैं बता रही हूँ, मानो या ना मानो। नहीं, मैं दारिया को वार्न कर चुका हूं। हाँ, और उसने मान ली तुम्हारी। अगर इसमें दारिया शामिल है तो यह घटिया हरकत उसकी आखिरी हरकत होगी, वादा करता हूँ। जो होना था वो हो गया, कोई हल निकालना होगा हमें। आप रहने दीजिए, दूर रहिए इस मामले से, मैं खुद हैंडल करूंगा ये। निजात,
देख लेना, वही है इसके पीछे। What? क्या मतलब पहुंचने वाले हैं? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे देख लेंगे वो। तुम रोमांस डिजाइनिंग की दुनिया में नंबर वन हो टुअल। देखा वही हुआ ना? सोच रहे होगे टूअल क्यों यहाँ आ गई कबाब में हड्डी बनके? बिल्कुल नॉर्मल सोच है, जाहिर है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो कोई, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो और यूं समझो मैं यहाँ हूँ ही नहीं और तुम लोगों ने मुझे देखा भी नहीं है। मैं हैरान हो गई थी कि तुम कहाँ चली गई अचानक। मैं तुम्हारी लीगल एडवाइजर हूँ, भूल गई? कभी यहाँ कभी वहाँ, आज रात को बहुत यादगार बनाने के लिए। थैंक यू टूअल, अब रास्ते से हटो तो हम अंदर आ जाएं। चुप! ऐसे कैसे जाओगे? भला इतने संदिग्ध कैसे हो सकते हो तुम? टूअल दुल्हन बहुत थकी हुई है। दुल्हन की वजह से कह रही हूँ, शौहर का फर्ज याद दिला रही हूँ, दुल्हन को उठाकर अंदर लाना होता है, तुम रस्मों रिवाज भूल गए हो बिल्कुल। गुड नाइट मेरे लव बर्ड्स, तुम लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। चुक जाओ उस पर से। था मुझे, मेरी फैमिली के सामने आकर खड़े हो गए थे और शादी भी अपनी खुशी से की है, किस लिए? इंतकाम ले रहे हो मुझसे?
मैंने जो किया उस पर सबक सिखाना चाहते हो मुझे? जो चाहो समझ लो हयात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही हो तुम अपनी जगह। मुझ जैसी झूठी लड़की को सजा मिलनी चाहिए। तुम मुझे अज़ियत देना चाहते हो, कबूल है, दिल से तैयार हूं, मगर क्या तुम खुद अज़ियत नहीं उठाओगे इस तरह? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुराद, तुम खुद जानते हो ये नहीं कर पाओगे। मैं शायद कुछ नहीं जानता। हाँ, हमारी शादी हुई है, हम मियां बीवी हैं, इतना जानता हूँ। मगर शादी के लिए इतना काफी नहीं। एक हकीकत की तरह कबूल कर लिया इसे, इससे और क्या कर सकता हूँ? लेकिन क्यों, मैं क्यों कबूल करूँ ये सब? बहुत आसान बात है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। अम्मी, ये पैकिंग क्यों कर रही हैं? जा रही हूँ इस घर से, बर्दाश्त से बाहर हो गया सब कुछ। अम्मी कुछ बताएंगी आखिर हुआ क्या है? थक गई हूँ दुरुक, थक गई हूँ। जो भी बुराई होती है सब मुझ पर डाल दी जाती है। यार अम्मी जान, एक मिनट मेरी बात तो सुन लें आप। अम्मी प्लीज बात तो सुन लें प्लीज। दुरुक, मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए गए हैं, मैं अब एक मिनट भी नहीं रह सकती यहाँ, ठीक है? इस तरह मत देखो मुझे। ठीक है, माजी में गलतियां हुई हैं, उससे मैं मानती हूँ, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मुराद को तबाह हो बर्बाद करने का प्लान बनाऊ, इतनी घटिया नहीं हूँ मैं। यार अम्मी, अम्मी मुझे कुछ नहीं पता आप किन इल्जामात की बात कर रही हैं। क्या हो गया दुरुक? खुश हो जाएं, वही हो रहा है जो आप चाहती थी। क्या चाहती थी, क्या मतलब है? घर बर्बाद करना, घर छोड़कर जा रही हूँ मैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई अम्मी जान, अब मेरे यहाँ से जाने के बाद आपने जो कहना कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। खुदा को मानो बहू बेगम, मैं क्यों तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहूंगी? आपकी बातें सुन ली थी मैंने, अब आप इनकार नहीं कर सकती। मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही थी आप, और ऐसे घटिया इल्जाम के बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। और वो खत आपने छुपा कर रखा था अस्मी साहिबा, कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? एक मिनट, अम्मी ये किस खत की बात कर रही हैं आप? कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? अपनी दादी से पूछो, वो जवाब देंगी। यार बाबा रो के अम्मी घर छोड़कर जा रही है। दारिया,
हमें बैठकर बात करनी चाहिए। यहां क्या कर रही हो तुम? दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। जा यहां से, सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूं? चलो। ये तुम नहीं हो सकते। अल्लाह के वास्ते बता दो कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? तुम गुस्से में हो इस वक्त। सिर्फ गुस्सा है मुझे, दिल तोड़ा गया है मेरा, धोखा दिया गया है मुझे, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं। देखो, तुम्हें पता ही नहीं मेरे साथ क्या कर दिया तुमने। हयात, मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी तुमने और तुम्हें खबर ही नहीं। तुम ड्रंक हो, आओ बस सो जाते हैं। कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। चलो यहां से, अलग सोओगी तुम। तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे। जाओ। बस मेरे सहारे उठो, शाबाश, आ जाओ। छोड़ दो हयात, हटो, तुम्हें क्या अंदाजा होगा, बहुत बड़ी चोट लगी है। रिजा रिजा हो गया। मुझे माफ कर दो। माफी से क्या होगा,
जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। सुने आंटी, हयात बहुत खुश है वहाँ, दुल्हन बनके बहुत अच्छी लग रही थी। शुरू में तो दुल्हा साहब भी गायब हो गए थे, मगर हयात को यकीन था कि मुराद जरूर आएगा। लेकिन वो गायब क्यों हो गया था? मुराद निकाह की तैयारियां सारी खुद कर रहा था ना, असल में निकाह बहुत शानदार तरीके से हुआ, बस ये बात थी। किसकी ऐसी औलाद होगी, मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरे बगैर शादी कर ली उसने। वो भी तो मजबूर थी ना एमने आंटी, जानती तो है। जाहिर है, और कोई रास्ता नहीं था, क्या करती वो, चली जाती अगर ग्रेसन तो क्या मिल पाता मुराद दोबारा। लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बताओ मुझे, किसी को क्या बताऊंगी, यूं होते हैं कहीं निकाह। यानी उस दिन होटल में क्या हुआ था, अगर उसके बाबा ने निकाह का सुन लिया तो खुदा जाने क्या कयामत टूटेगी उनके दिल पर। देखा नहीं उस दिन क्या हुआ, उफ मेरे अल्लाह, बस करम कर दे। वैसे हयात को फोन पर बात तो कर लेनी चाहिए थी दादा से। बिल्कुल, इससे दादा का गुस्सा भी कम हो जाता। पता नहीं, मगर अब क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तौबा इस्तग़फ़ार। मेरे जाने के बाद मुराद को कभी मालूम न होने दीजिएगा कि उसकी माँ इस कदर जालिम थी कि अपने ख्वाबों की खातिर उसे बताइएगा उसकी माँ मर गई, एक हादसे में दुनिया से चली गई। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, बेहतर फील करोगे। मैंने तुमसे कॉफी बनाने का नहीं कहा था। नहीं कहा, मैंने खुद बनाई है, पी लो, बेहतर फील करोगे। मैं बेहतर फील करूंगा, हयात रात भर में क्या उलफल बकता रहा हूं। हाँ, मैं तो हेल्प करना चाह रही हूं तुम्हारी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। जबरदस्त, देखो हर जगह बर्बादी कर देती हो तुम, जहां भी कदम रखती हो। अब खुश हो, खुशी मिल गई तुम्हें? ठीक है मुराद, ठीक है, मुझे अल्लाह गर्क कर दे। मैंने जो झूठ बोले हैं तुमसे उनकी सजा तो मिलेगी ना, मुझे अल्लाह करे मर जाऊं, मैं मर जाऊं, बस मर जाऊंगी तो फिर तुम खुश हो जाओगे ना।
खाए अंशर अज चेखी मिल रे जान दयान मास ये नहीं साला मिल रे बस कर रहे हैं मिलने से क्या अब था शक्यू रेक चेके पाईने बना सरून भी किम हकलı şu yüreğim ne meraklı hiç sözümü dinlemiyor sorarım aşk durulur mu acıyı sevmek olur mu hani hayat bir oyundu artık içime sin असली। हाँ तुम काम पर नहीं गई आज? नहीं आज छुट्टी ली है मैंने। अच्छा तो उठो चलो आओ उठ के नाश्ता बनाओ मेरे साथ आ जाओ। अच्छा अमीने। बाबा क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है ठीक नहीं हूँ। सुबह से मेरी नब्ज ठीक नहीं चल रही लग रहा है मर जाऊंगा मैं मरने वाला हूँ बस। अरे दादाजी आप मुझे बिल्कुल हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और तवाना दिख रहे हैं। हाँ, तुम लोग समझ रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? जरूरत क्या है झूठ बोलने की? सही कह रहा हूँ बिल्कुल। असली। हाँ बेटा जरा इनका ब्लड प्रेशर तो चेक कर ले। हाँ करती हूँ जल्दी कर। बाबा
आंखें तो खोल कर दिखाएं मुझे। आंखें तो आपकी बिल्कुल सफेद पड़ी हैं। क्या हो गया? बाबा जल्दी आओ।